इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट तो नहीं कहेंगे, गुड नाइट तब कहेंगे जब आपका ही पेपर हो जाएगा तब। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये आपके बायोलॉजी का क्या कहते हैं एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और फिजिक्स का एक चैप्टर, उसके बाद में केमिस्ट्री के दो चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जिसमें मिलेगा वो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो याद रखना हमेशा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब में नीचे साइड में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रह जाता है, तो प्रेसिपिटेशन का पहला हो गया इनसॉल्युबल। तो पहला क्वेश्चन हो गया था हम लोगों का, अब आते हैं सेकेंड पे। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये केवल फर्स्ट चैप्टर से है केमिकल रिएक्शन वालों से। जो ऑक्सीडेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, ठीक है ना। सेकंड का ए हो गया। एग्जांपल ऑफ कोरोजन यानी जंग लगना, तो सिल्वर में ब्लैक कोटिंग लगती है, रस्टिंग आयरन लगता है, तो इसलिए हमारा इसमें एक डी ऑप्शन गायब है, ए और बी। तो इसका आंसर दोनों है, ब्लैक कोटिंग इन सिल्वर और आयरन इन रस्टिंग, या रस्टिंग इन आयरन। तो थर्ड का ए और बी बोथ है। फोर्थ, सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब वो इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाए, नेचुरल होते हैं, लिटमस पेपर हो गया हमारा या फिर हिबिस्कस का फूल हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब लैब में बनाए हुए इंडिकेटर जिनसे हम एसिड और बेस का पता कर सकें, वो हमारे दोनों हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोलेथिलीन। तो इसमें भी ए और बी दोनों ऑप्शन है, सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ एसिड ऑन पी एच स्केल, एसिड की वैल्यू क्या होती है पी एच स्केल पे। तुम्हें पता होता है 0 से लेकर 7 तक पी एच, 14 तक पी एच स्केल होती है और 7 न्यूट्रल है। 0 से 14 पी एच स्केल है, 7 न्यूट्रल है, तो 0 से 7 के बीच में जितनी भी संख्याएँ होंगी वो हमारी पी एच वैल्यू एसिड के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन ए सही है, जिसका आंसर 0 से 6 तक है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एंटी एसिड क्या होता है, तो एंटी एसिड क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, जब भी किसी को इनडाइजेशन हो जाता है यानी खाना पचता नहीं है, तो उसके लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, ठीक। सेवन्थ क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O CaCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो इस सेवन्थ का ए हो गया। दोबारा हम लोग देखते हैं आंसर क्या है, उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहला आंसर कौन सा था, वो हम लोग देखते हैं। पहला था हमारा इनसॉल्युबल, है ना, बी वाला इनसॉल्युबल, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद सिल्वर कोटिंग और रस्टिंग दोनों, मेथिल ऑरेंज फिनोलेथिलीन दोनों, उसके बाद इसमें 0.6 ए है, ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, इसमें Na2CO3 10H2O और CuCl2। अब हम लोग आते हैं फ्लिंडा ब्लैंक्स की तरफ, ये रहे हमारे फ्लक, तो इनको हम लोग अभी देखते हैं। तो फ्लिंडा ब्लैंक्स में हमारा था कौन सा वाला फ्लिंडा ब्लैंक्स है, कि नेम द सोडियम कंपाउंड, वो सोडियम कंपाउंड का नाम बताओ जो सॉफ्टनिंग और वो हार्ड वाटर को ख़त्म करती है। तो हमारा ये है कौन सा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, ये सॉफ्टनिंग और हार्ड वाटर को रिमूव कर देती है। नेम द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये हमारे एसिड बेस चैप्टर से है, सेकेंड चैप्टर से केमिस्ट्री का। जो ओनियन है, जो स्मेल करने से एसिड बेस का पता कर लें, वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रिड्यूस CO2 कन्वर्ट इनटू, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है जिसमें मतलब 6 CO2 + 6 H2O है जो हमारे, वो या 12 H2O, उसमें जो CO2 वाला पोर्शन है रिएक्टेंट की तरफ में, वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट में। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसका ओनियन और इसका हमारा वॉशिंग सोडा। पैरामीशियम किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर टाइप का, कैसा, यूनिसेलुलर। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती हैं, स्टोमक में होती हैं, ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक प्रेजेंट रहती हैं। हाउ मैनी कार्बन मॉलिक्यूल पारवेट, पारवेट जो बनता है हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पारवेट में, पारवेट जाता है ATP बनने के लिए, तो पारवेट में 3 कार्बन रहते हैं। लिम्फ में क्या एबसेंट होता है, RBC, लिम्फ में RBC एबसेंट होती हैं। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है और लंग्स की एल्वोलाई है। किडनी एंड लंग्स के पार्ट बताने हैं कौन से सिस्टम के, तो किडनी हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का पोर्शन है, एक्सक्रेटरी, और लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पोर्शन है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो ये फर्स्ट चैप्टर से है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो हमारी है एंडोथर्मिक,
ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारे फिल्म कवर हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो रिफ्लेक्शन क्या है, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, जब कोई लाइट हमारी इंसिडेंट रे एक मिरर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक, और रिफ्लेक्शन क्या था, जब कोई एक लाइट आएगी वो दूसरी जब जाएगी तो यहाँ पे थोड़ी बैंड तिरछी हो जाती है, वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिंसिपल एक्सिस देख लेना आप लोग, पावर ऑफ लेंस, स्पेरिकल मिरर, पीएच स्केल क्या है जो एसिड बेस को बताए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाए, कोरोजन क्या है जंग लगना पानी और मॉइस्चर की वजह से, एसिडिटी क्या है किसी खाने का सड़ना या ऑक्सीडेशन ऑफ का फूड, कॉम्बिनेशन क्या है जब एक या दो रिएक्टेंट आपस में मिलते कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के ऊपर हावी हो जाए या फिर वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, आप लोग इनको कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पे आते हैं, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है डिकम्पोजिशन क्या है, इसका एग्जांपल बताना है कि किस तरीके से जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट तरफ में। ठीक, जैसे यहाँ दो हैं रिएक्टेंट कोई है और यहाँ पे प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होकर एक बना दे, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बताना है आपको कैसे होता है, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, हाउ फूड इज डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में किस एंजाइम की हेल्प से और कौन एब्जॉर्ब करता है जो विलाई होती हैं वो, और शॉर्ट ये क्या है कोई नहीं शॉर्ट नोट बताना है गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन है फिर इसके होगा, फोकल लेंथ ही देख लेना आप लोग, कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला है, यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बताने हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताना है जो किडनी का पोर्शन है उसमें किडनी के अंदर पाई जाती है, डबल सर्कुलेशन बताना है ह्यूमन बींग का, क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या होती है, ये जो हमारा वो फैमिली ऑफ सॉल्ट है एसिड बेस वाले चैप्टर में उसमें देखना, इसमें सर NaOH वाला जो पोर्शन है उसमें आपको ये प्रोसेस मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है एग्जांपल के साथ में। इस तरीके से हमारा ये जो मेन क्वेश्चन थे दोनों चैप्टरों के वो हम लोगों ने कवर किए हैं। अब थोड़ा देखते हैं पेपर कैसे है, हम लोगों ने क्या कवर कर दिया है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए हैं अभी हमने, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो भी हम लोग पेपर देखा वो दिख रहे हैं, इसमें इनसॉल्युबल था, इसमें ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों थे, है ना। उसके बाद कोरोजन पे आते हैं, तो अभी इसमें मेथल ऑरेंज फिनोफ्थलीन था, इसमें 0.6 था, इसमें ट्रीटिक इंडाइजेशन था, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये Na2CO3 था, ये पोसिंग सोडा का और ब्लीचिंग पाउडर का था, उल्टा हो गया क्या, नहीं सही है COCl2, ठीक है। फिर हमने फिंडी ब्लैक्स देखे, ठीक फिंडा ब्लैक्स देखे थे अभी, जिसमें इसमें हमारा क्या था, ब्लीचिंग वॉशिंग सोडा था, ऑनियन था, कार्बोहाइड्रेट, यूनिसेलुलर, HCl, 3 कार्बन, RBC, किडनी यूनिट नेफ्रॉन थी, लंग्स की एल्वोलाई, किडनी है एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक। रिएक्शन जो हमारी ये इस तरीके से हम लोग का ये पेपर कवर हो गया है ना। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप लोग इनको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, और जो पीछे बच्चे हुए जो बातें कर रहे हैं ना वो थोड़ा शांत हो जाएं और फोकस करें, क्योंकि ये आपका क्लास 10th है और 10th के ये जो वो टॉपिक थे या वो चैप्टर हैं जो आपको गेनिंग मार्क्स देंगे, कम से कम ये जो क्वेश्चन है ना आपके 20 नंबर के मार्क्स के होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।